प्यारे बच्चों, हमें एक क्वेश्चन पूछा है एक्सरसाइज 12.3 का एग्जांपल 4। क्वेश्चन है, ये 10th क्लास का है, एक्सरसाइज है 12.3 का एग्जांपल 4। संख्या है हमारी आकृति 12.15 में 56 मीटर वजन वाले एक वर्गाकार लॉन ABCD के दो ओर बनी हुई दो वृत्ताकार फूलों की क्यारियां दर्शाई गई हैं। यह प्रत्येक वृत्ताकार क्यारी का केंद्र लॉन के विकर्णों का प्रक्षेप बिंदु है, तो वर्गाकार लॉन तथा फूलों की क्यारियों के क्षेत्रफल का योग क्या करो। पहले फिगर बनाए हम इसका। फिगर हमारा ये है, जैसे ये कोई वर्गाकार लॉन है, वर्गाकार मतलब चारों भुजा बराबर है, एक अर्धवर्गाकार ये है हमारे ऊपर वृत्ताकार और एक वृत्ताकार नीचे है, इस तरह से ये वर्ग है ABCD। इसकी ध्यान दे रखे हमें 56 मीटर। जब हम इनके विकर्णों को मिलाएंगे तो विकर्ण एक दूसरे को ऊपर काटेंगे और ये एंगल 90 का होगा, ये एंगल भी 90 का होगा, इधर ये एंगल सब इधर ये एंगल भी 90 का होगा और ये एंगल भी हमारा 90 का होगा, ये चारों एंगल 90-90 का होगा, ठीक है। ये एंगल हमारा 90 का होगा। अब हमें इसका पूरे का निकालना है एरिया, कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो, ये विकर्ण जो ओ बिंदु का काट रहे हैं, ये ओ बिंदु इस वर्ग ABCD को चार बराबर भागों में बांट रहा है। एक है AOB, दूसरा है BOC, तीसरा है COD और चौथा है DOB। ये चार बराबर भाग है। तो हम ये हमारा त्रिज्यखंड हो गया, त्रिज्यखंड OAFB, एक त्रिज्यखंड हो गया OC/D। तो हम एक तो इस त्रिज्यखंड पर निकाल लें त्रिज्यखंड OAFB का त्रिभुज, BOC का त्रिज्यखंड OC/D का और त्रिभुज DOA का, इन चारों को प्लस कर देंगे तो हमें संपूर्ण आकृति का एरिया मालूम पड़ जाएगा। हम हल कर रहे हैं, वर्गाकार लॉन ABCD का क्षेत्रफल बराबर साइड स्क्वायर या भुजा स्क्वायर, ये हो जाएगा 56 × 56 मीटर स्क्वायर। इतना ही हो गया। अब दिखाएंगे हम वर्गाकार लॉन के विकर्ण, वर्गाकार लॉन के विकर्ण लॉन को चार बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। इसीलिए त्रिभुज OAD का क्षेत्रफल बराबर होगा वर्गाकार लॉन का क्षेत्रफल बटे चार। वर्गाकार लॉन का क्षेत्रफल निकाल दिया, ये 56 × 56 बटे 4 काटेंगे, 14 × 14 4 × 4 और 14 × 56 ये हो गया 14 × 56
जो हो गया मीटर स्क्वायर, हमारा ये आ गया इसका एरिया, इसका इसका एरिया आ गया ये 14/56 मीटर स्क्वायर। अब निकालेंगे त्रिज्याखंड ओ ए एक्स बी का क्षेत्रफल बराबर ये जाएगा फॉर्मूला हमारा त्रिज्याखंड का थीटा पर 360 पाई आर स्क्वायर। अब इसको निकालने के लिए पहले हमें आर चाहिए, यहां से आर चाहिए, आर कैसे निकालेंगे, समकोण त्रिभुज ए ओ बी में ए बी बराबर हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ए बी 56 है हमारा, 56 स्क्वायर बराबर ओ ए हमें लिखेंगे मैं माना ओ ए बराबर एक्स बराबर ओ बी, ये हो जाएगा यहां एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 56 स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 56/2 बराबर 28, एक्स स्क्वायर आ गया हमारा 28। अब ये मान एक्स स्क्वायर यहां देंगे त्रिज्याखंड ओ ए एक्स बी का क्षेत्रफल बराबर थीटा कोण 360 पाई आर स्क्वायर बराबर थीटा कोण 360 पाई एक्स स्क्वायर, क्यों ये जो आर है यहां से निकालकर आर मानेंगे इसको, और ये हमने ये भाई आर है इसको हमने एक्स मान लिया, मान लाएंगे 90/360 गुणा 22/7 गुणा एक्स स्क्वायर आया हमारा 28। एक्स स्क्वायर 56 एक्स्ट्रा आया हमारे यहां 56/28 काटेंगे 0 0 कट गया 9 9 9 36 7 7 7 56 7/56 4 4 8 ये हो जाएगा 22 गुणा 28 बराबर 22 गुणा 56 ये हो गया मीटर स्क्वायर। अब लिखेंगे त्रिज्याखंड ओ ए एक्स बी का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्याखंड ये जो त्रिज्याखंड बन रहा है हमारा ये वाला, और ये जो त्रिज्याखंड बन रहा है इन दोनों का एरिया बराबर होगा, इसका और इसका एरिया दोनों का बराबर होगा, हमने लिख दिया यहां त्रिज्याखंड ओ ए एक्स बी का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्याखंड ओ सी बाई डी का क्षेत्रफल, ये दोनों बराबर होंगे। और लिखेंगे इसीलिए संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर त्रिज्याखंड ओ ए एक्स बी, ओ इस पूरे का एरिया निकालना है, ओ ए एक्स बी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिज्याखंड
फिजिकल ए ओ सी बाई डी, ओ सी बाई डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ओ डी ए का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ डी ए का क्षेत्रफल, इन चारों के मान लगा देंगे। यहां त्रिभुज ए ओ डी का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज ओ डी सी का क्षेत्रफल, दोनों बराबर होंगे मान लगाएंगे। त्रिज्यखंड का एरिया है ये हमारा त्रिज्यखंड, पहले लगाएंगे त्रिभुज का त्रिज्यखंड संपूर्ण क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड ओ ए एफ सी का क्षेत्रफल, ओ ए एफ सी का क्षेत्रफल आया हमारा, इसको लगाएंगे 22 गुणा 56 प्लस, उसके बाद में त्रिभुज ओ बी सी का क्षेत्रफल जो इसके एरिया के बराबर होगा, और इसके एरिया निकाला हमने त्रिभुज ओ ए डी का क्षेत्रफल हमारा आया है 14 गुणा 56, यानी कि हमने 14 गुणा 56 प्लस त्रिज्यखंड, इसका दोनों का एरिया बराबर होगा, त्रिज्यखंड ओ सी बाई डी का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड बराबर होगा ओ ए एच बी का क्षेत्रफल, यह हमारा ये जाएगा 22 56 प्लस त्रिभुज का एरिया इसी के बराबर होगा 14 गुणा 56 के 14 गुणा 56 14 गुणा 56, यहां से जो कॉमन आएगा हमारा तो 2 कॉमन आ जाएगा, और यहां से 56 कॉमन आ जाएगा, 2 यहां से आ जाएगा कॉमन, और 56 ये आ जाएगा, ये 56 चारों में है देखो, तो यहां से बचेगा 11 प्लस 2 × 7 = 14 प्लस ये 11 प्लस और ये 2 × 7 = 14 ये बचा, ये हो गया हमारा 2 × 56 ब्रैकेट में लगा दो, ग्यारह और 11 22 और 7 × 7 = 14 ध्यान देना है बराबर 2 × 2 × 56 × 9 प्लस करेंगे 4 × 2 = 6 और 2 × 1 = 3 गुणा करेंगे ये हो जाएगा 36 × 12 = 10 × 11 × 37। अब हम 112 में गुणा करेंगे 36 का 36 × 12 अथवा 1 × 7 = 6 × 6 3 × 6 3 × 3 = 3 2 × 13 9 × 10 = 4 ये आ गया हमारा 4032 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। बात समझ लो एक बार, ये बराबर लोन दे रखा है, ये पहले बराबर लोन है ए बी सी डी, इसमें ये भी वृत्ताकार है ये और इधर ही वृत्ताकार ये भी क्या है, इसका पूरा एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे ये विद्रोह दोनों को यहां काट रहे हैं, तुम्हारा ये एक क्रोज बन गया, ये वाला एक क्रोज ये बन गया, एक क्रोज ये बन गया और एक क्रोज ये बन गया, इन चारों का एरिया बराबर होगा, और अगर हम इसको देखें तो ये हमारा त्रिज्यखंड बन रहा है, और हम इसको देखें ये भी हमारा त्रिज्यखंड बन रहा है, तो हम दोनों को इसके एक आंसर एरिया निकाल लें और इन सुविधा निकाल लें, इस सुविधा निकाल लें, सबको प्लस कर दें तो निकल के आएगा, तो यहाँ है बराबर लोन का एरिया निकाल लिया हमने, यह है 56 × 56 मीटर स्क्वायर, बराबर लोन के विकान लोन को 4 बराबर भागों में काटते हैं, ये 4 भाग बराबर है, तुमने निकाला रोज ओ ए डी का क्षेत्रफल, ओ ए डी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर लोन का क्षेत्रफल 4 = 14 × 56 मीटर स्क्वायर,
अब निकाला हमारे त्रिज्यखंड ओ ए ओ ए एच बी का सिंपल फॉर्मूला होता है थीटा कोण 3π r² स्क्वायर, ये इसमें फॉर्मूला लगेगा, ये हो गया हमारा त्रिज्यखंड का सिंपल का फॉर्मूला। लेकिन इसको निकालने के लिए हमें पहले r चाहिए, हमें r नहीं मालूम है, यहां से लेके आता इसको हम r मानेंगे, ये हमारी r है, हमें ये मालूम नहीं है, तो पहले हमें इसको r निकालना पड़ेगा। r कैसे निकालेंगे, अब इधर देखो ओ ए और ओ बी दोनों आ रहे हैं, इधर ए भी आ रहे हैं, ए भी आ रहे हैं, चारों बराबर हैं, तो हमने इसको ओ ए बराबर एक्स बराबर ओ बी, अब ये बन रहा हमारा समकोण ध्रुव। समकोण ध्रुव में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के बराबर योग के बराबर होता है, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, तो यहां हमने लिखा ए बी स्क्वायर बराबर ए ओ ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ए बी हमारी 56 है, तो 56 स्क्वायर बराबर ये हमने एक्स माना, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 56 स्क्वायर बराबर ये एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर बराबर 56 वाला 56 बटे 2 कट गया 28 बार 56 वाला 56, ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर का मान, मतलब आर स्क्वायर का मान हो गया। अब त्रिज्यखंड का एरिया ओ ए एक्स बी का सिंपल हो जाएगा थीटा कोण 3π r², यहां से फॉर्मूला लगा दिया हमने, आर के साथ हमने लगा दिया एक्स, जब हमने एक्स माना था एक्स स्क्वायर हो गया, ये थीटा का मान लगा दिया, पाई का मान लगा दिया, यहां से एक्स स्क्वायर मान ये लगा दिया। अब जीरो जीरो काट दी, 4 बार कट गया, 4 से 7 से कट गया ये 56 8 बार, और 4 से कट गया 8 2 बार, तो हो गया 22 गुणा 2 गुणा 28, कहने का मतलब 22 गुणा 28 56। अब हमें निकालना है, अब देखो ओ ए त्रिज्यखंड ओ ए एफ बी का एरिया बराबर होगा त्रिज्यखंड ओ सी बाई डी का एरिया, इसीलिए हमने लिखा यहां ये लिख दिया हमने ये वाला है, ये वाला त्रिज्यखंड ओ ए एफ बी का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड ओ सी बाई डी का क्षेत्रफल, ये दोनों एरिया बराबर होंगे। अब लिखा हमने इसीलिए संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड ओ ए एफ बी का क्षेत्रफल प्लस रोज बी ओ सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिज्यखंड ओ सी बाई डी का क्षेत्रफल प्लस रोज डी ओ ए का क्षेत्रफल, हमने यहां त्रिज्यखंड का मान लगा दिया, तो उसका मान लगा दिया एरिया त्रिज्यखंड ओ सी बाई डी का मान लगा दिया, और त्रिभुज का एरिया ओ डी ए का मान लगा दिया, इसमें से दो यहां से इसमें से इसमें से इसमें से और इसमें से दो कॉमन आ गया 56, ये कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, यहां से 11 बचा, यहां से 7 बचा, यहां से 11 बचा, यहां 7 बचा, 28 11 11 22 हो गया, 7 14 हो गया, ये हो गया 2 56 36, 22 और 14 36, इसका गुणा किया 112 गुणा 36 गुणा किया 4,32 m²